बोलिए क्या बात है, मुझे पत्नी के बारे में जानना चाहता था। क्या जानना चाहते हैं? इनका किसी से अफेयर है क्या? आप बताइए। नहीं आप बताइए, ये क्या कह रहे हैं? पहले माइक पकड़ो हाथ में, मूड रात कुछ नहीं होगा, आप जो जितना पूरा उतना बताइए, बाकी मूड ना आप दोनों लोग हिलाते रहना घर जाके। आप बताइए। तो हम तो वो बताते हैं, रोते फिरोगे अभी, इसलिए आपसे जुकना उतना होता है। ईगो हट मत वरी है, ठीक है, हमसे अच्छे से बात करिए। हाँ। समझ में ना क्या मैटर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इनको हमेशा शक रहता है कि हम मतलब घर पे, मतलब घर में है जो, जब पूरा परिवार है, परिवार के होने के बाद भी हम किसी से साथ गलत कर लेते हैं। अच्छा, ये बेटर परिवार है, पूरा परिवार, बच्ची है, जे बस ये जो बोल रहे हैं यही आपको डाउट है? माइक से बोलिए। ये किसी से बात भी करती है, मुझे लगता है ऐसा जी। ठीक है, बात तो ना, कोई करेक्टरलेस होना तो नहीं होता, वो बात वो नहीं है सर। सुनिए मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे थोड़ा सा खुलासा, तुम्हारा सुना ना हमने, इनको भी सुन। हाँ, मुझे थोड़ा सा खुलासा चाहिए कि बात क्या है। बात क्या है? हाँ। कि किसको लेके आपको डाउट है? आपको किस किस को लेके है? सबको, जो भी आता है घर में, चाहे पानी वाला हो, मजदूर हो, काम वाला हो, कोई भी हो घर में, आज जो भी घर के मेंबर हैं उन पे भी। चरित्र को लेके बोलते हैं? हाँ। पहले तो ये पर्चा देखिए, चोरी धन मर्डर, और हमने अप्रैल से ये बताना बंद कर दिया है, और मैं इस पर मर्यादित बोलना चालू कर दिया। अभी हमने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जो कि नहीं बोलना, मैंने कहा गाइडलाइन नहीं है, लेकिन तब भी स्क्रीन पर लीजिए पर्चे पर क्या जो, क्योंकि हमारा पर्चा लाइव जाता है। चलिए माइक नीचे रखिए, आप सुनिए, आइए माइक इतना रखो, तुम इतना सक हो सक, आइए आप भी आइए, और पल्लू डालो सर पे, बच्चा लिए कोई बात नहीं, कोई थोड़ा डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए कोई। हाँ पढ़िए, देखिए हम लिखा, आपकी स्त्री नाम अमृता देवी, पिता का नाम अशोक जी है, चरित्र पर डाउट है, गलत शंका है, गाडरवारा का वर्तमान निवासी, बड़े भाई का मित्र, रमाकांत जी पर डाउट चलता है। बोलो हाँ है ना? अब तो बोलो भैया। हाँ ये कौन है? ये भैया के दोस्त, इनके साथ पढ़ती थी, मैं कभी नहीं जानती किसी को मिलती भी। चलिए माइक रखिए, मेरे भैया अभी नहीं है, तो क्या मैं झूठ बोल दूं फिर? नहीं तो सुनो आराम से, भाई तुम्हारे नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन सही तो सुनोगी ना, गलत भी हो तो सुनना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, गाडरवारा निवासी है रमाकांत जी, पिता का नाम दशरथ है, बेटा आपकी सोच गलत है, लेकिन पत्नी करेक्टरलेस नहीं है, बातचीत होना करेक्टरलेस होना नहीं होता है। मैंने अभी आप जब मेरे पास पहले भी सुनी, कहाँ लिखा दिखा, पर्चा देखो गलत दीदी कहीं लिखा है? आप 500 बार आओगे पूछ, रुकिए 500 बार पूछने आओगे तो क्या मैं तुम्हारी मर्जी से लिखूंगा? और हमारा पर्चा जो लिखा हो तो हम तो लिख के देते हैं, लेमिनेट से करा के रखो, ठीक है, लेकिन इस विषय को लेकर के घर में विवाद नहीं लेना है। देखिए ये बता बेटा, दो चीजें ध्यान रखना, बेटी को हमेशा पति ही मैन होता है, ससुराल ही पवित्र स्थल है, अन्य कोई बेटी के लिए घर नहीं होता, इसलिए पहले तो बेटी को और दोनों पत्नी को आपस में पारदर्शी रहना पड़ेगा। लड़ाई सबके घर में होती है, प्रेम से एक साथ रहिए, 24 घंटे में सच्चाई सामने आ जाती है, ये ध्यान रखें। और जब साइकोलॉजिकल डाउट हो जाए तो वो लड़की को, उस बेटी को, उस पत्नी को हर संभव हर प्रयास से उस डाउटफुल व्यक्ति के जीवन को बनाने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है, वो हर टाइम परीक्षा ना देवे, सच का आने दिखाने के लिए निमंत्रण करे कि भाई बताओ, हमें टोक के पकड़ के दिखाओ, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे पास एक बेटी आए, भैया आए, तो हमने क्या लिखा उसमें कि तुम्हारी पत्नी को फलाना व्यक्ति भगा ले गया है, और वो फलानी जगह है, जो हमारे यहाँ नियम है, जो सच्चाई है वो बोलूंगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, यदि ये निर्णायक कुछ बात पूछना है तो हमारी बात को मानना पड़ेगा। हाँ फिर भी कहता हूं, बात करने मात्र से
चरित्रहीन करेक्टरलेस नहीं होता, ठीक है। और सुनिए, प्रमाणिकता तो इस बात की भी है, आप कुछ भी बोलिए। जैसे कि उदाहरण में जब मैं आपके जेम के अंदर का वर्तमान का सही बताएंगे, जेम के अंदर का, तो क्या हमारी आगे की बात गलत होगी? बोलिए क्या होगी, माइक से बोलियो ना, क्या कह रहे हो? नहीं होगी ना, पढ़े लिखे हो, रखो माइक। आप बताइए, हम जेब में क्या रखे बता सकते हो? तुम ऐसे ही नहीं आ गए, 500 तुमने वीडियो देखे होंगे, 500 लोगों से पूछा होगा, 500 लोगों से उसके बाद भी धक्के खाते खाते परीक्षा भी लेने भी आए ना, तो भी धक्के खा रहा है, कुछ तो है यार, सबके बताया, हमारा भी क्या नहीं बताओ, कुछ तो है ना। सबसे ज्यादा पैसा काय में रहता है जानते हो? काय में रहता है? बैंक में रहता है, एटीएम में रहता है, पेटीएम में रहता है। आप बताइए, आपकी पत्नी ने कभी खाता खुलवाओ ना खुलवाओ, नेट हो ना हो, पेटीएम हो ना हो, अलग बात है, क्या इनके पास एटीएम पेटीएम है? हा? किस बैंक का बेटा एटीएम? माइक से बोलिए। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। आप लाए हो? लाए हो वहां पे? कहाँ है? मतलब एटीएम तो नहीं है, फोन पे ही चला रहे हैं एटीएम तो भी। अच्छा, तो फिर तो वो खाते से जुड़ा होगा? दोनों से जुड़ा है। अच्छा, आपका खाता नंबर आपको याद है? एटीएम नंबर आपको याद है? नहीं, नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे होगा? हाँ, किसका? तुम्हारे से हम क्या करें? इसमें होगा, फोटो होगी जो। तुम बता दो इनके, या तुम इनका बता दो। हमको अपना खुद का याद नहीं रखा तो। आपका खाता नंबर ये है, और जाओ पढ़वा लियो, देख लियो, मिला लियो। और रहा सवाल दोनों की पारदर्शिता के लिए, तो केसर जानते हो? केसर, केसर को घिस के नींबू पर, दो नींबू लेना है, धागा कच्चा सूत वाला धागा आता ना, जो इससे पहले गद्दे में सिलाई होती है, उस वाली बड़ी सुई से उसको पार करके तीन गांठ लगा देना, और दिन में से तीन गांठ में से तीनों खुल जाए तो तुम करेक्ट लेस हो, और दो खुले तो ये खेल है। चलो जाओ।